गुड आफ्टरनून टू एवरीवन. आई एम गगनदीप फ्रॉम बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर फ्रॉम मीरा मेडिकल कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड हॉस्पिटल. टुडे आई रिप्रेजेंट द टॉपिक ऑन ORS प्रिपरेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, इंडिकेशन, पर्पसेस एंड मेथड्स एंड कंटेंट फॉर यूज ORS प्रिपरेशन एंड एडवांटेज. फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ ORS. ORS आल्सो नोन एज ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी. दिस वन प्रोवाइड दोज पेशेंट हु सफरिंग फ्रॉम डिहाइड्रेशन लाइक डायरिया. ORS जो थेरेपी है वो हम ORS जो है थेरेपी जो हम पेशेंट डिहाइड्रेशन को देते हैं, जिससे हम उसका अपने फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट जो इम्बेलेंस है उसको कंट्रोल कर सकें. इंडिकेशन इसके अंदर क्या होगा, जो इंडिकेशन है वो फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट जो इम्बेलेंस हुआ है उसको कंट्रोल करने के लिए. और पर्पसेस है जो बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए, इलेक्ट्रोलाइट एंड बैलेंस करने के लिए, और डिहाइड्रेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए. उसके बाद जो इसके अंदर कंटेंट यूज होता है, सोडियम क्लोराइड हो गया, पोटाशियम क्लोराइड, सोडियम सिट्रेट और 1 लीटर वाटर यूज करते हैं. जो ये मेडिकल पर्पस के थ्रू यूज करते हैं. और हम जो होम रेमेडीज के अंदर यूज करते हैं उसके अंदर 6 स्पून है जो हम शुगर के लेने हैं, 1 स्पून है जो साल्ट का लेना है, और 1 लीटर वाटर लेना है. सबसे पहले हम जो मेडिकल पर्पस के थ्रू यूज करते हैं उसके अंदर सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड और सोडियम सिट्रेट और वाटर 1 लीटर लेना. उसके अंदर मैंने इसका मिक्सचर लिया, आप हो सके तो अलग अलग यूज कर सकते हैं. आपको प्रोसीजर पहले स्टार्ट करने से पहले जो भी आपके ऑर्नामेंट या पहने हुए हैं वो आपने रिमूव कर देने हैं. उसके बाद हैंड वॉशिंग भी करनी है. मैंने पहले ही हैंड वॉशिंग अपनी डन कर चुका हूँ तो मैं प्रोसीजर स्टार्ट कर रहा हूँ. जो आप मेडिकल पर्पस के थ्रू जो मैंने आपको कंटेंट बताया वो आप सारा यूज कर सकते हैं. पानी के अंदर डालने के बाद इसको 1 मिनट के लिए आप मिक्स करेंगे. 1 मिनट के मिक्स करने के बाद जो हम आप जो भी जिस पेशेंट को देना उसको हम प्रोवाइड करेंगे. याद रखें जो हम ORS तैयार कर रहे हैं वो 12 घंटे के बाद वही ORS और किसी पेशेंट को नहीं देना है. उसके बाद हमें जो होम रेमेडीज के थ्रू याद प्रिपेयर कर सकते हैं वो है जिसके अंदर 6 स्पून है जो अपने शुगर के लेने हैं, और 1 स्पून है जो साल्ट का लेना, और इसको मिक्स करना है. सिक्स स्पून है जो शुगर और 1 स्पून है जो साल्ट का मैंने मिक्स कर दिया, और इसके बाद इसको 1 मिनट के लिए हम मिक्स करेंगे. ये होम रेमेडी तभी यूज करनी है जब तब हमारे पास मेडिकल पर्पज के लिए जो कंटेंट है वो अवेलेबल ना हो. इसके बाद जो हमने इसकी एडवांटेज क्या क्या है, एडवांटेज में है जो कि हम इजीली प्रिपेयर कर सकें, जो कॉस्ट इफेक्टिव हो जो कि लो कॉस्ट पे हमको अवेलेबल हो और हमारे पास जो घर पे इजीली अवेलेबल हो. थैंक यू सो मच.